चमोली में ग्लेशियर टूटने से हुई त्रासदी से ऋषिगंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट में हुए नुकसान और मानवीय हानि पर बोलते हुए बीजेपी की वरिष्ठ नेत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कहा कि संकट के इस घड़ी में पूरा देश उत्तराखंड के साथ खड़ा है और वे भी उत्तराखंड की त्रासदी में उनके साथ हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती आज हरिद्वार प्रवास पर थी। इस दौरान उन्होंने मीडिया से उत्तराखंड में आई त्रासदी पर वार्ता करते हुए कहा कि सबसे पहले तो आज देश त्रासदी के इस मौके पर उत्तराखंड के साथ खड़ा है। उन्होंने त्रासदी को भयानक बताते हुए कहा कि इस त्रासदी की भरपाई मुश्किल होगी। उन्होंने बताया कि 2013 की त्रासदी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने रवि चोपड़ा और चतुर्वेदी कमेटी बनाई थी, जिसमें उत्तराखंड में विकास को लेकर खास बातें कही गई थी। सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड की सरकार को ये कहूँगी कि पूरा देश आपके साथ है इस विपदा की घड़ी में, पूरे प्रदेश के लोगों के साथ और ख़ास करके उस इलाके के रहवासियों के और वहाँ जो निधन जिनका हो गया उन कर्मचारियों के साथ है। और केंद्र की सरकार ने भी भरपूर राज्य की सरकार को मदद देने का जो अपनी तरफ से वचन दिया है, इसके लिए केंद्र की सरकार भी अभिनंदनीय है। लेकिन जो त्रासदी हुई है वो बहुत भयानक है और उसकी क्षति तो करीब, जो मैंने पढ़ा है, 4,000 करोड़ रुपये तक की क्षति हुई है और ये क्षति ऐसी है जिसकी भरपाई मुश्किल होगी। इसलिए ये सब जो हादसा हुआ है ये बहुत ही दुखद है और इसलिए मैं चाहती हूँ कि आगे से इन सारी बातों पर, जैसे 2013 की आपदा के बाद खुद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक कमेटी बनने का जो आदेश हुआ था और उस कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें चतुर्वेदी कमेटी भी थी और रवि चोपड़ा कमेटी भी थी, उनने उत्तराखंड में होने वाले विकास के बारे में कुछ खास सावधानियां बरतने के लिए कहा है कि आप उत्तराखंड के विकास के रास्ते निकालिए, लेकिन इसमें ये ध्यान रखिए कि ये नए पहाड़ हैं, ये लाखों साल पुराने हैं, ये दक्षिण भारत की तरह बहुत पुराने पहाड़ नहीं हैं, इसलिए इनकी ज़मीन एक तो भुरभुरी है, दूसरा ऊपर से जो झरने गिरते हैं यही जब बरसों वर्ष जम जाते हैं तो ये ग्लेशियर में बदल जाते हैं और ये किस दिन गिर जाएंगे इनको कोई साइंटिस्ट प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, इनके गिरने को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, इनकी आयु को प्रेडिक्ट कर सकता है, गिरने को नहीं कर सकता। तो ये अनप्रेडिक्टेबल नेचर के ग्लेशियर हैं और पहाड़ बहुत नए हैं, इसलिए यहाँ पर विकास की संरचना भी बहुत ज़रूरी है और आधुनिक विकास की, क्योंकि उत्तराखंड तिब्बत की सीमा से लगा हुआ है, तिब्बत पर चीन की हरकतें ठीक नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में ये जो बॉर्डरिंग स्टेट है यहाँ पर विकास में कमी भी नहीं छोड़नी चाहिए, पहुँच में कमी भी नहीं छोड़नी चाहिए, पहुँच के रास्ते इतने होने चाहिए और यहाँ के रहने वाले लोगों को इतने व्यापक रोज़गार वहाँ मिलने चाहिए कि उनको नीचे ना आना पड़े, मतलब ज़िंदगी जीने के लिए छोड़ना ना पड़े, ये भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन संवेदनशीलता, पहाड़ बहुत पुराने नहीं हैं, इसको ध्यान में रखना है और ग्लेशियर यहाँ के अनप्रडिक्टेबल हैं, ये तीन बातों को मिला करके ही यहाँ विकास की संरचना करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन मैं आज तो उत्तराखंड सरकार के साथ हूँ इस विपदा की घड़ी में।